आज भी उसी जोशो खड़ोस के साथ हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ा तो भी करेंगे। तो इसमें नाम बदलने या क्या है, कल अगर अलायंस का नाम भारत हो जाएगा तो क्या आप फिर नाम चेंज कर देंगे कंट्री का? क्या सांप्रदायिकता की जहर घोल रहे हैं उनको सचेत करने का काम आज के दिन का काम तो भाजपा ने करा था, जो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। पीछे भीड़ जो आ रही है वो आप देख सकते हैं, उस भीड़ से पता चल सकता है कि कौन जोड़ने का काम किया कौन तोड़ने का काम किया। फायदा तो देख रहे हैं किस तरह से बौखलाए हुए हैं कि जो इंडिया, आई लव इंडिया, इंडिया हमारा देश है, इंडिया का नाम बदलना चाह रहे हैं। नहीं, मोहब्बत की बाजार चल रही है, नफरत छोड़ो मोहब्बत जोड़ो। गठबंधन से ऐसा बौखलाए हुए हैं कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको क्या करना हो, क्या गलत हो सही भूल गए। भाजपा नफरत फैलाने काम करती है, हम लोग नफरत फैलाने का नाम नहीं कर रहे, जोड़ने का काम कर रहे। ना कोई इतिहास बदल सकता है, ना भारत का नाम बदल सकता है, ना भारतवासियों को। भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने पर वर्षगांठ पर फिर से पटना में कांग्रेस द्वारा पद यात्रा किया जा रहा है। देखिए तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, कार्यकर्ता हैं, वो निकल पड़े हैं गांधी मैदान से और पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम तक जाएंगे। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ करना, क्या लगता है कितना फायदा होगा? फायदा पद यात्रा की है और भारत जोड़ो यात्रा की, फायदा तो देख रहे हैं किस तरह से बौखलाए हुए हैं कि जो इंडिया, आई लव इंडिया, इंडिया हमारा देश है, इंडिया का नाम बदलना चाह रहे हैं। भारत, भारत और इंडिया दोनों एक ही है। ये तो राहुल गांधी से इस तरह से उनके पद यात्रा से बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस के गठबंधन से ऐसा बौखलाए हुए हैं कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको क्या करना हो, क्या गलत हो सही भूल गए हैं। वो इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं, ऐसे ऐसी बौखलाहट तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका फायदा है, लेकिन भाजपा तो सीधा सीधा कह रही है कि आप लोग केवल माहौल बनाने में ऐसा लगे हैं, कोई फायदा नहीं। तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, वो क्यों घबरा रही है? हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप लोग जोड़ने का काम नहीं कर रहे? हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर। भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, हम लोग नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे, जोड़ने का काम कर। देखिए जो तमाम नेता हैं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे और भी हम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक साल पहले इसी दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी 4000 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की थी और वो यात्रा का उद्देश्य घृणा और द्वेष के राजनीति के खिलाफ था। आज पहली वर्षगांठ है और बिहार भर में सभी जिलों में 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग फिर से पदयात्रा करके और उस राजनीतिक विचारधारा को पुनर्जीवित करने का कोशिश कर रहे हैं कि देश में कहीं भी घृणा और नफरत नहीं रहे, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और जो सांप्रदायिकता की जहर घोल रहे हैं उनको सचेत करने का काम आज के दिन हम सभी कांग्रेस जन पूरे देश में कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से ये यात्रा गांधी जी की मूर्ति से लेकर और सदाकत आश्रम तक चलेगी। धन्यवाद। भारत का कोई नाम बदल सकता है? ना कोई इतिहास बदल सकता है, ना भारत का नाम बदल सकता है, ना भारतवासियों को कोई बदल सकता है। क्या लगता है इसे कितना फायदा मिलेगा? फायदा आप बाकी के पिछले वाले जो हो चुके हैं चुनाव उसमें आप देख सकते हैं और ये हम लोग इस उपलक्ष्य में रखे हैं कि जो एक साल पूरा हो चुका है उसके भी उसपे भी किसी का जोश कम नहीं हुआ है। आज भी उसी जोशो खड़ोस के साथ हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ा तो भी करेंगे। भाजपा तो कह रही है कि आप लोग केवल माहौल बनाते हैं, उसका कोई, तो उनको अगर ताकत है तो वो माहौल बनाए ना। हमारे पास है ताकत, हम माहौल बना रहे हैं, उनके पास अगर है दम तो बनाए ताकत, डरते क्यों है? भाजपा कहती है कि आप लोग जोड़ने का काम नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने का काम तो भाजपा ने करा था, जो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। पीछे भीड़ जो आ रही है वो आप देख सकते हैं, उस भीड़ से पता चल सकता है कि कौन जोड़ने का काम किया कौन तोड़ने का काम किया। तमाम कांग्रेस के नेत्रिया हो चाहे कार्यकर्ता, वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं और ये जो पद यात्रा है वो निकल चुका है वर्षगांठ के लिए पटना के गांधी मूर्ति से, गांधी मैदान से। अब ये सदाकत आश्रम जा रहा है, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा? 2024 का पद यात्रा हुआ, कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। तो कहते हैं कि आप लोग केवल इस तरह का माहौल बनाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं, मोहब्बत की बाजार चल रही है, नफरत छोड़ो मोहब्बत जोड़ो, मोहब्बत जोड़ो। हाँ, क्या लगता है आप लोग जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं? नहीं नहीं, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। इस हालात में माहौल देख रहे हैं तो
देखिए जो तमाम और नेताएं हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में मिलेगा, वो देखना होगा। साथ ही जो तमाम नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, वर्ष घाट को कितना फायदा मिलेगा इसका? हम ये फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज़ है राहुल गांधी। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि देश में गरीबी बेरोजगारी जो समस्या है उसके लिए पदयात्रा हो रहा है, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए पदयात्रा हो रहा है। भाजपा कौन सा जोड़ने की बात कर रहा है? भाजपा तो मणिपुर पर क्या जवाब है उसका, देश में बेरोजगारी पर क्या जवाब है? भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश का प्रेम हमें मिल रहा है। आदरणीय नेता हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत की यात्रा की, और कर्नाटका से होते हुए जब हम आगे आए और कर्नाटका में चुनाव भी हुआ तो कर्नाटका का प्रेम हमें मिला और कर्नाटका ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया और हमारी जीत हुई। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा देश हमें हम पर पूर्ण विश्वास करेगा और हमारी जीत 2024 में होने जा रही है। क्या लगता है कि अब तो भारत नाम को लेकर चल रहा है सियासत? नहीं, इसमें सियासत की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। बिकॉज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन स्टेट्स, तो ऑलरेडी इंडिया और भारत दोनों तो है ही, तो इसमें नाम बदलने का क्या है? कल अगर अलायंस का नाम भारत हो जाएगा तो क्या आप फिर नाम चेंज कर देंगे कंट्री का क्या? तो ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। ये सिर्फ जो देश में जो महंगाई व्याप्त है, जो बेरोजगारी व्याप्त है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इन सब शिगुफा फेंका जाता है ताकि जनता इन सब चीज़ों में व्यस्त रहे। कह रहे हैं कि अंग्रेज नाम दिए थे इंडिया, इसलिए उसको नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, तो अंग्रेज का बात ही कहाँ से आया? जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो अंग्रेज की बात ही नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो हैं वो अनाप शनाप कुछ बयान देते रहते हैं और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि जिससे लोग भ्रमित रहें। क्या लगता है कि आप लोग भारत जोड़ने के लिए यात्रा किए थे लेकिन भाजपा बोल रहे तोड़ने के लिए? भाजपा तो आप लोग तोड़ने की बात, ये देश समझ रहा है कि भारत जुट रहा है या नहीं जुट रहा है।